Hi you guys, came to and welcome back to my channel Styling with Pooja. I hope you all are safe and doing great. So in today's video, I'm gonna share with you all this beautiful, cute birthday glam makeup look. ये specially teenagers के लिए होने वाला है. But before starting, if you are new to my channel, then please do subscribe to my channel. And without wasting much time, let's get started. So I am starting with moisturizer. Here I am using this Pond's Super Light Gel Moisturizer. ये बहुत ही lightweight moisturizer है और बहुत अच्छे से मेरी skin को hydrate कर देता है. And at the same time ये मेरे face पर greasiness भी नहीं देता है. So that is why I love this moisturizer. नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग प्राइमर. आई एम यूजिंग कलरबा परफेक्ट मैच प्राइमर. क्योंकि ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है तो ये मेरे पोर्स को अच्छे से फिल इन कर देता है और मुझे एक परफेक्ट फ्लॉलेस बेस देता है. सो जहाँ जहाँ भी मुझे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, एक्नेज है, तो मैं वहाँ वहाँ पर कलर करेक्शन कर रही हूँ. लाइक मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ टू हाइड माय डार्क सर्कल. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ग्रीन कलर करेक्टर मेरे एक्टिव एक्नेज को कवर करने के लिए. नाउ मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. एंड हमें कलर करेक्टर्स को बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना चाहिए, एकदम थोड़ा थोड़ा ही ब्लेंड करना चाहिए. सो फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग लॉरियल पैरिस इनफॉलिबल 24 आवर मैट कवर फाउंडेशन. एंड आई लव दिस फाउंडेशन. इसकी कवरेज बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है एंड ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी है, ज़रूर है. फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग मेबलिन फिटमी कंसीलर और इसे सिर्फ और सिर्फ अपने आई एरिया पर अप्लाई करूंगी. एंड फॉर कंटोरिंग आई एम यूजिंग दैट पैलेट अगेन फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स और कंटोर शेड को लेके फेस को कंटोर करूंगी. टू सेट माई एंटायर फेस आई एम यूजिंग मेबलिन फिटमी लूज फिनिशिंग पाउडर एंड इट इज़ एन एक्सीलेंट पाउडर गाइज. बहुत ही ब्यूटिफुल पाउडर है ये एंड काफ़ी अच्छे से आपके फेस को सेट कर देता है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग मिस क्लेयर आईब्रो पेंसिल इन द शेड 02 डार्क ब्राउन टू फिल इन माई ब्राउज. सो आई मेकअप के लिए मैं ये वाला मेकअप रेवोल्यूशन का आईशैडो पैलेट ले रही हूँ. इसमें से जो ये पिंक शेड है इसको लेके मैं अपने पूरे क्रीज पर अप्लाई कर दूंगी एंड काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. मैं ये स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ. नाउ मैं एक ब्लैक शेडो को अपने आउटर कॉर्नर पर और क्रीज के थोड़ा सा नीचे अप्लाई कर रही हूँ. एक बिग फ्लफी ब्रश की हेल्प से दोनों शेडोज को अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ. सो गाइज नाउ इट्स टाइम टू कट द क्रीज एंड मैं सेम कंसीलर से अपनी क्रीज को कट कर रही हूँ. एंड क्रीज कटिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क गाइज. लाइक सीरियसली इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है. नाउ आई एम टेकिंग दैट पीच पिंक कलर और इसको मैं अपने जो क्रीज कट करी है उसके ऊपर अप्लाई करूंगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से. नाउ आई एम टेकिंग दैट ब्लैक शेड अगेन और अच्छे से सारे कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ एक स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से ताकि कोई भी एजेस ना दिखें. नाउ मेरे लोअर लैश लाइन पर मैं वो क्रीज वाला पिंक शेड अप्लाई करूंगी. बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करूंगी, थोड़ी सी एक शेडो क्रिएट करने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ. मस्कारा के लिए मैं मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेबलिन हाइपरकल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ. ऑलमोस्ट सारे ही वीडियोज़ में मैं इसे यूज़ करती हूँ सो आप जान ही सकते हैं कि ये मुझे कितना ज़्यादा पसंद है. सो ऑफ कैमरा मैंने लैशेज और टाइट लाइनर अप्लाई किया है. आफ्टर दैट मैं कॉरल पीची ब्लश अप्लाई कर रही हूँ. वो ओवरऑल मेकअप को मेरे और ज़्यादा इन्हेंस करेगा. अपने एप्पल ऑफ चीक से टेम्पल्स तक अप्लाई कर रही हूँ इसे. सो हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए मैं वही सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इससे क्या होता है ना, आपके फेस पर हाइलाइटर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और इसके पार्टिकल्स बिल्कुल भी चंकी नहीं लगते हैं.
एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक एंड दिस इज फ्रॉम नायका. आई थिंक इट इज अ नेफर्टिटी एंड दिस इज द फाइनल लुक. आई होप ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा एंड इफ यस तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें. नाउ आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर गाइज. बाय बाय.